जो भी हमसे पंगा लेगा बच्ची वो हारेगा, आइदर आप हो या इंग्लैंड। कि वो इंग्लैंड हारे, इंग्लैंड हारे हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लैंड को हम भी हराएंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे, बट ये मत बोलिए कि आप हमें हराएंगे, उसके लिए आपको पहले उठना होगा। So, this is what really happened. While Shoaib and Bhaji were talking, हमें एक ऐसी superpower मिल गई, जिससे पता चले कि actually उनके मन में क्या चल रहा है। तो आइए देखते हैं हमारे इस superpower का नतीजा। Sports कीड़ा पे एक दफा आपकी खिदमत में हाजिर, मेरे साथ ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स स्पिनर इंडिया की जान से हरभजन सिंह, जिनके पास 400 विकेट भी और 400 करोड़ रुपए भी। ये बात सच है भाई? 400 करोड़ रुपए नहीं है, पर हां 400 विकेट जो है वो जरूर है। भजी, अगर मेरे पास 400 विकेट होती मैं टीवी पे आता भी नहीं। ऐसी बात नहीं, पैसे के लिए थोड़ी हम काम करते हैं, पैसा एक अलग चीज है। मैं पैसे के लिए नहीं काम करता हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट से जुड़े रहना है यार, मजा नहीं आता तो जिंदगी अधूरी हो जाएगी क्रिकेट से नहीं जुड़े रहेंगे। झूठ, सारा सर सफेद झूठ। $20,000 ले रहे हो तुम स्पोर्ट्स क्रीडा से? अच्छा, अगर मुझे 20,000 मिल रहे हैं तो फिर आपको कितने मिल रहे हैं? आपको भी 25-30,000 मिल ही रहे होंगे। मुझे इंडियन रुपीज में पैसे नहीं मिलते ना भाई, पाकिस्तान में रुपीज पैसे हैं वो आते होते। अच्छा भाजी, मुझे ये बताओ यार, छोड़ो यार, पहली बात ये बताओ यार कि ये जो आपने ज्यादती की हमारे साथ, ये आपने ना कोई टिकटें दी हैं, ना आपने बॉक्सेस दिए, ना आपने पूरा दुबई खरीद दिया, इसके पीछे क्या रीजनिंग है? पैसे बहुत ज्यादा है इसमें? देखिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो सबसे रिचेस्ट है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इससे अच्छा कि किसी और को ये मौका मिले, तो पूरा हिंदुस्तान यहाँ से अब दुबई पहुंच गया है और इस मैच का लुत्फ लेने के लिए, और आई होप कि दे गेट द राइट रिजल्ट एज वेल, क्योंकि बड़ी दूर से उठ के गए हैं। और इसी का कारण है कि टिकटें ले ली हैं, क्योंकि और हम चाहते हैं कि हमारा दबदबा ना पूरे मैदान में हमारे अंदर जो खिलाड़ी है वो भी बना के रखें और हमारा जो क्राउड है वो भी बना के रखें, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ आउट नंबर कर देना है हर चीज में। बिल्कुल कर देना। हमने बड़े चलाकी के साथ हिंदुस्तानी भर के टिकट खरीदी और आपको की तादाद में नजर आएंगे कि अपने हिंदुस्तानी को टिकट, यार हमारा दोस्त है, मैंने अपने दो तीन हिंदुस्तानी दोस्तों को फोन किया, मैंने कहा यार टिकट चाहिए, क्या तुम्हें नहीं मिलेंगे? मैं क्या बकवास नहीं करो, तुम्हें नहीं मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे? मैंने कहा मेरे दोस्त आ रहे हैं बॉम्बे से यार, उनको चाहिए, वो जाए इस्लामाबाद से रहेंगे। अच्छा, स्कीम लगा दी, स्कीम लगा दी। अच्छा भाजी, देखो यार बात तो सच है ना यार, आपकी टीम अच्छी है लेकिन आपकी टीम जीतती नहीं, ये बात सच है, ठीक है ना? आप पे प्रेशर बहुत है, आप लोग जीतते नहीं हो हमसे, ये बात लिख लो। ये 24 तारीख रात 10 बजे फोन करूंगा, बड़ा टेक्स्ट तो नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना? और मैं तुम्हें कहूंगा यार भाजी आई एम सॉरी, मैंने 1.5 बिलियन लोगों का, जो भी 1.6 हो जाएगा 2 घंटे बाद, तो उनका दिल तोड़ दिया। नहीं देखिए, ये तो पहले देखिए, ऐसे सपने आप लेते रहें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सपने लेना बड़ी अच्छी बात होती है, पर सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पहले तो आपकी टीम को उठना पड़ेगा। क्या आपकी टीम में वो दमखम है मुझे ये बताइए? हाँ, यही 90s की टीम होती जब आप लोग खेल रहे थे, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक वो खेल रहे थे, मैं कहता मुकाबला तकड़ा होगा, प्रॉपर का होगा। बट ये टीम, अब इस टीम में मुझे नहीं लगता है कि वो दमखम है कि वो जाके इंडिया की ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम को जाके कम्पीट करे, जीते उनसे, मुश्किल है शायद, मुझे लगता नहीं है। हाथी भी चूंटी की ढंग से मर सकता है भाईजान, अगर हम आप इस मोड में घुस गए ना तो आपको भी गिरा सकते हैं, जो मर्जी कर ले। देखिए, हमेशा तारीख यही बताती है जो कमजोर होता है वो हमेशा पड़ता है बड़े को, और बड़े भी ताकतें गिरी हैं। देखिए, आप बेशक अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, आप फेवरेट हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप बस बेहतरीन 7 बैट्समैन है, लेकिन हमारे पास एक चीज है जो आपके पास नहीं है, टिकट। मैच के टिकट क्या ताल्लुक है? मैच के टिकट, अगर कुछ भी रहो हमें अपना क्राउड छोड़ देना। मैच के टिकट का गेम से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं ना, अगर हार के तो हमें अपने बंदे छोड़ देंगे। अच्छा, कौन बंदे हैं जो पाकिस्तान के लिए 170-180 रन बना पाएंगे? अगर 170-180 रन नहीं बने ना शोएब, तो मुझे लगता है कि फिर टीम इंडिया को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, कैसे रोकोगे? रविंद्र जडेजा, अगर 170-180 रन नहीं बनाए
तो क्या पाकिस्तान के पास वो बॉलिंग है अगर 170-180 रन बना के वो रोक सके इन खिलाड़ियों को? लगता है सच्ची में, सच्चे दिल से बोलना, सच्चे दिल से, अभी तो ये सारी तरफ ही बातें हो रही है कि इंडिया विल रन ऑल ओवर पाकिस्तान, ये बिल्कुल सच बात। एज ए क्रिकेटर हम बात करें ना, एज ए क्रिकेटर हम दोनों बात करें, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान अगर 150 भी करता तो फंसाएगा हिंदुस्तान, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, फंसाएगा 150 रन में, फंसाएगा 150 में, फंस जाएगा। ये मैं इतना रैंडमली नंबर बोल गया हूँ, और इस पर अगर मैच फंस गया और पाकिस्तान निकल गया तो ये इंटरव्यू विल गो लॉन्ग वे। आई नो, मुझे लगता है कि मेरा जीना आराम कर दो, इंडिया क्रिपल करेगा, एक दफा क्रिपल करेगा बजी, बहुत प्रेशर है, यू नो इट। जो मर्जी कह ले, हम रात को ना बैठे होते ना, हल्का ट्विटर खोल लेते हैं, यार इधर ये क्या आ रहा है, अच्छा इंस्टा पे देख लो यार ये क्या आ रहा है, अच्छा खबरें हल्की सुन लेते हैं यार ये क्या कह रहे हैं, अनवांटेडली प्रेशर हम सुन भी लेते हैं। जब आप लोग खेल रहे थे, आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं होता था कि इंडिया को हराना है? यस, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था कि इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ खेल रहा है तो जीतना ही है। अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड हो जाता है, ऐसे कोई हशर हो जाता है कि उसमें मैच जीते नहीं, तो फिर वो सोच के बड़ा डर लगता है कि क्या वो हमारा जो है किस तरीके से क्राउड रिएक्ट करेगा। कि आई होप कि गेम को गेम की तरफ लेना चाहिए, उसी तरीके से लेना चाहिए। हमारे इतना ज्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं पाया जाता क्रिकेट में, ऑनेस्टली तो 5-10 साल से ना जो इंटरेस्ट जो पाकिस्तान में क्रिकेट का था ना वो बहुत कम हो गया। हमारे पास हीरोज नहीं, किसको ग्रिल करते, किसको ग्रिल करते, लेकिन ग्रिल उसी को कहते हैं जो नाम वाला होगा, या मुझे ग्रिल करते, या किसी करते, या अफरीदी करते, इतने बड़े नाम हमारे पास रहे नहीं, ग्रिल किसको करेंगे, तो इसलिए प्रेशर है ही। जीत गए तो बिस्मिल्लाह, जब भी लगाएंगे बबिया करेंगे, ना जीते कोई बात नहीं जी, अगले न्यूजीलैंड तो खड़ा ही है ना, गोरों को नहीं छोड़ना, गोरे को नहीं छटना सी, और एनो नहीं छटना सी भाजी, एनो ने सानू बड़ा जलील करवाई, तो इसीलिए जो भी हमसे पंगा लेगा भाजी वो हारेगा, आइदर आप हो या इंग्लैंड। कि वो इंग्लैंड हारे, इंग्लैंड हारे हमें कुछ से कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लैंड को हम भी हराएंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे, बट ये मत बोलिए कि आप हमें हराएंगे, उसके लिए आपको पहले उठना होगा। इंशाल्लाह आपको अच्छे लगते हैं, उठिए से मर पाएगा, घबराइए नहीं, देखते हैं 24 को पता लग जाएगा कि क्या होता है, बट मुझे लगता है कि विल रॉक अगेन, India will win and India will win big. मेरा ख्याल में 170 के अच्छी पास पर एक पास हो रहा है और मैच फंसने वाला है। देखो मैच फंसे ना फंसे, हमारे यहाँ पे दोनों के सींग जरूर फंस गए हैं।